स्वागत है। और झारखंड में जिन्हें तृतीय और चतुर्थ स्तर की नौकरी करनी है उनके लिए एक नई चीजें आ रही हैं। हमारे पास जो सूचना है इसके मुताबिक अब जिन बच्चों का नियोजनालय में रजिस्ट्रेशन होगा उन्हें ही झारखंड में नौकरी मिल पाएगी। नई जानकारी के मुताबिक हेमंत सोरेन सरकार ने यह फैसला लिया है कि झारखंड में तृतीय और चतुर्थ स्तर की जो बहाली होने वाली है जिसमें प्रथम चरण में 24,000 लोगों की नियुक्ति की जाएगी, इसके लिए जरूरी कर दिया गया है कि झारखंड के किसी न किसी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका नाम दर्ज होना चाहिए। जानकारी के मुताबिक पिछली समय में यानी कि जनवरी तक अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर 2,57,000 स्टूडेंट्स का नाम उसमें दर्ज था यानी कि नियोजनालय में दर्ज था, जो अभी बढ़कर लगभग ये संख्या जो है वो 5,00,000 हो गया। फरवरी 2020 में ये संख्या 5,00,000 के आसपास है यानी कि 2,00,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। रजिस्ट्रेशन में आपको मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपके पास है अथवा नहीं है इसकी जानकारी देनी जरूरी होगी। झारखंड में एक कोशिश की जा रही है कि जिनकी नौकरी लगेगी उन तमाम लोगों को झारखंड लोक सेवा आयोग और JSSC झारखंड कर्मचारी चयन आयोग नियुक्ति करने वाली है। गौरतलब है कि 1,87,000 वैकेंसी झारखंड में इस समय में खाली है जिसमें 70,000 पद को 2020 में भरा जाएगा। इसमें से 24,000 वैकेंसी जो है वो सबसे पहले चरण में लाई जाएगी। अब सरकार ने यह तय कर लिया है कि उनके पास डेटा पहले आ जाए। ऐसा होने से सवाल उठता है कि क्या लाभ होगा, यानी कि अगर झारखंड सरकार ये तय कर लेती है तो इसमें लाभ क्या होगा। नियोजनालय में जिन लोगों का नाम दर्ज किया जाएगा ऐसे में ये उनके जो नाम होंगे ये नाम उनके रहने से सामने आएगा कि कितने लोगों को नौकरी मिल पाई है, कितने लोगों को नौकरी झारखंड सरकार देने में सफलता प्राप्त की है। हम आपको ये भी बता दें कि जानकारी के मुताबिक जो हम तक सूचना है इसके मुताबिक राज्य में अब राजपत्रित पदों पर जो भी लोग नौकरी करेंगे उनके लिए नियोजनालय में निबंधन करना ही पड़ेगा। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के लिए खास तौर पर जरूरी कर दिया गया है। JPSC JSSC के माध्यम से करीब 46,000 पद पर भर्ती हुई है अभी तक। 24,000 पद पर जो रुकी हुई है उन पर अब ये जिम्मेवारी दी गई है। गृह विभाग, कारा, आपदा प्रबंधन विभाग, राजस्व निबंधन, भूमि सुधार, नगर विकास, आवास, श्रम नियोजन, प्रशिक्षण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा अल्पसंख्यक वर्ग, कृषि, पशुपालन सहित तमाम क्षेत्र में जो पद खाली हैं उसमें सबसे पहले इसे लाया जाएगा। दूसरी तरफ राज्य के मुख्य सचिव ने योजना बनाने और उसके क्रियान्वयन में आंकड़ों के महत्व को बताते हुए स्थानीय स्तर पर बेरोजगारों को नियोजनालय से जोड़ने की सरकारी प्रक्रिया को और गति देने का निर्देश दिया है। ऐसे में ये चीजें सामने आ रही हैं कि झारखंड में नौकरी के विकल्प अब खुलने वाले हैं। 2020 आपके लिए अच्छा वर्ष साबित हो सकता है और यहाँ पर जो भी लोग नौकरी चाहते हैं उन्हें अब नियोजनालय में जल्द से जल्द निबंधन करवा लेना चाहिए ताकि नौकरी देते समय ये देखा जाएगा कि आप झारखंड के रहने वाले हैं अथवा नहीं है। वहीं दूसरी ओर झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने एक बार फिर से एक स्टेटमेंट देकर लोगों को चौंका दिया और विवाद पैदा कर दिया कि 1932 का खातिया लागू होगा। इसके जैसे ही ये स्टेटमेंट आया राजनीतिक हलकों में एक चर्चा शुरू हो गई और जिसमें देखा जा रहा है कि क्या आने वाले समय में 1932 के खातियान पर क्या नौकरी मिलेगी या फिर सिर्फ स्टेटमेंट और कानूनी अड़चन में ये चीजें भी फंस जाएगी। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत